हेलो गाइस, खुदा गेम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अवतार एचडी गेम की, उसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस गेम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप इस गेम पे वहाँ से पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद नीचे दोस्तों, यहाँ पर हमें दे रहा है दोस्तों डाउनलोड एपी की, आपके उस पर क्लिक करके एप्लीकेशन की डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद ये डाटा ओवी डाटा डाउनलोड के लिए दे रहा है, इसको भी आपको डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों, इसके डाउनलोड करने के बाद, ये मैंने पहले से डाउनलोड कर ली है। इसके बाद दोस्तों, आपको ये एप्लीकेशन जैरन चीवर प्ले स्टोर पर मिल जाएगा आपको। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा दोस्तों। ये आपको इंस्टॉल कर लेना है ये एप्लीकेशन अपने फ़ोन में। फिर इस एप्लीकेशन के अंदर आपको जाना है, ये रहा दोस्तों। इसके अंदर आपको अपने यूसी डाउनलोड में जाना है, यहाँ पर आपका डाउनलोड हो, और अपनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। और दोस्तों, आप इसे एसडी कार्ड में अगर इंस्टॉल करती हैं तो इसका डाटा भी एसडी कार्ड में डालना होगा। अगर आप इंटरनल में इंस्टॉल करती हैं तो आपको इंटरनल में डाटा डालना होगा। तो मैं इसे इंटरनल में इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये इंस्टॉल हो गया, मैं इसे डन पे क्लिक कर देता हूँ। और दोस्तों, आपको अपने इंटरनल में जाना है, यहाँ से होम फोल्डर में। इंटरनल में आपको एक फोल्डर बनाना है, यहाँ से आपको न्यू फोल्डर, जिस पे आपको लिखना है दोस्तों। ये फोल्डर बहुत मेन फोल्डर है, आपको इसे ध्यान से देखना होगा। इस पे आपको गेम लॉफ्ट लिखना है कुछ इस प्रकार, और ओके कर देना है। फिर इस फोल्डर के अंदर जाकर आपको एक और फोल्डर बनाना है दोस्तों, और उस पर आपको लिखना है गेम्स। बस आपको बस कुछ नहीं लिखना है। फिर आप यहाँ से होम फोल्डर सेलेक्ट करके अपने डाउनलोड के द्वारा जाएंगे और अपनी जिप फाइल को यूज कर लेंगे। यूज करने के बाद इसे कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी करने के बाद फिर होम फोल्डर सेलेक्ट करेंगे। होम फोल्डर में जहाँ पर हमने फोल्डर बनाया था उसके अंदर जाकर हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो दोस्तों, ये हमारा हो गया है, कुछ इस प्रकार आ जाएगा। तो आपको होम फोल्डर पर क्लिक कर देना है, और आप इसके अंदर आप देख सकते हैं ये हमारी सारी फाइलें आ चुकी हैं। तो इसके बाद दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल बैक हो जाना है और अपने इस गेम को ओपन करना है बस आपको। तो ये वेरीफाइंग फाइल्स कर रहा है, बस आपकी वेरीफाइंग फाइल्स करते ही ये गेम ओपन हो जाएगा दोस्तों। ज़्यादा टाइम नहीं लेगा दोस्तों।
तो दोस्तों सिर्फ आपसे इतना कहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।